आंख मलता हुआ जैसे सो रहा हो, देख बाबरी घूंघट को उठा करके, मेरा लल्ला तो सो रहा था, चोरी नहीं कर रहा था। हाँ मैया, मैं सो रहा था, देख अपने देवर को लाई है और बोलती है कि कन्हैया चोरी करता है, चोर है, देख देख देख। मैया और डांटने लगी। उसने कहा अच्छा, इसीलिए गली में हाथ छुड़ा के भागा था, सब जानती हूँ। कन्हैया ने ठेंगा दिखाया, अभी तो तेरे देवर का हाथ पकड़ाया हूँ, चिंता मत कर, अगली बार पकड़ेगी तो तेरे पति का हाथ थमा के भागी। डांटते हुए बोल रही है, सब जानती हूँ, हाथ छुड़ा के भागा था, और तेरी सब करतूत पता है, कभी तो छोरा रहता है और कभी देखता है मौका पाते ही लहंगा चुन्नी फरिया डाल करके ओढ़नी और छोरी बन जाता है, और चुपके से घर के अंदर जाता है और सब माखन चट कर जाता है, और छोटे से कन्हैया बड़े बड़े बाल। हाँ, बोली लहंगा फरिया पहन लफंगा बन जाता तू छोरी, लहंगा फरिया पहन लफंगा बन जाता तू छोरी, लहंगा फरिया पहन लफंगा बन जाता तू छोरी। करुष गायत देवादास तब करता सीना जोरी, करुष गायत देवादास तब करता सीना जोरी। देखो 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 हसत मुख मुख पकड़ तो ही बाबू, करुष गायत देवादास तब करता सीना जोरी। बोलिए माखन चोर भक्त वत्सल भगवान की, भगवान श्री कृष्ण ग्वाल वालों के साथ। ग्वाल वालों के साथ भगवान श्री कृष्ण गए, जानते हो क्या किए? उसके पति की दाढ़ी बहुत बड़ी थी और ब्रजवासी थी, तो उसकी चोटी लंबी चौड़ी थी। भगवान श्री कृष्ण देखे कि बढ़िया सो रहा है इसका पति, पत्नी भी बगल में है, तो उसके दाढ़ी में उसके पत्नी की चोटी कस के बांध दिए। हाँ, अब जो उठी पत्नी तो चोटी खींचे, बोली अरे बाबरा तू का कर रहे है, अब इसकी दाढ़ी नाजुक खींचे दर्द हो। इसका पति डांट के बोला बाबरी तू का कर रही है, वो बोलती है तू का कर रहे है, वो बोलता है तू का कर रही है। उसकी दाढ़ी खींचती है उसकी चोटी, अरे ताली बजा बजा के झाड़ियों के पीछे से हंसते हैं।
अब भगवान श्री कृष्ण बोले कि भाई अब गोपियां बड़ी सतर्क हो गई हैं, अब चोरी कैसे करूं? हाँ, चोरी करना कोई हंसी खेल है? अब भाई कैसे माखन मिले? एक युक्ति सूझी। भगवान एक गोपी के घर गए, गोपी के घर गए, माखन चुराए, पकड़े गए। गोपी बांधने लगी, बांधने लगी, लेकिन आश्चर्य, इतने सुंदर हैं भगवान, इतने सुंदर कि देखते ही मुग्ध हो गई। बांधना था भगवान को, खंभे को बांध के खड़ी है। भगवान ने कहा, री बावरी, तुझे बांधने नहीं आता, ला दे रस्सी, मैं तुझे बांध के सिखाता हूं। उसी को खंभे में लपेट दिए। खड़ी है बेचारी धूप में, सास आई, बोली, अरी बावरी, बहू है कि भूतनी? बोली, ये कन्हुआ का सब चमत्कार है। अब सब गोपियां सतर्क, इसको आने नहीं देना है। चार साढ़े चार वर्ष के हैं, अभी छोटे से हैं, और सब चाहती हैं अंदर से कि आए, बाहर से आए तो देखूंगी। हाँ, अंदर से सब चाहती हैं, सुंदर ताजे माखन रखती हैं कि ले जाए खाए। जो 10 लीटर दूध देने वाली गाय थी वो 100-100 लीटर दे रही थी, तो 90 लीटर दूध तो इन्हीं का था, चाहे फेंके, चाहे लड़ाएं, चाहे गिराएं, उनका तो 10 ही लीटर था, वे तो अपना भी नहीं खा पाते थे, इतना ज्यादा दूध दही होने लगा था जब भगवान प्रकट हुए थे। अब एक गोपी के घर गए, उसके यहां सब सतर्क थे, क्या करें बेचारे, हाँ सामने सब बैठे हैं, कैसे चोरी करें? कन्हैया ने कहा, ये गोपी बताए कुछ, क्या कन्हैया? अरे तेरे सास को वहां खेत में एक बैल ने बहुत मारा है, घायल कर दिया, बेचारी भगी जोरों से, और इधर सब माखन दही खा के सब पेट फुलाए डकार ले रहे हैं। और खाने की बात क्या किए पता है? जितने मटकों में से दही मक्खन खाए थे, उतने मटकों में कीचड़, कचड़ा, गोबर, माटी सब भर दिए, और ऊपर ऊपर से थोड़े थोड़े माखन लगा दिए, ऊपर ऊपर से माखन सुंदर लगा दिए, लेप कर दिए, और अपने झाड़ी में छिप गए। अब जब गई सास के पास है गोपी, सास बोली, बावरी, घर को खुला छोड़ के चली आई, वो नंद का छोरा ऐसे ही जीना हराम किया है, वो आ जाएगा, मटकी मटके सब फोड़ डालेगा, चल जल्दी। सास आई, देखी कि मटके तो एक भी नहीं फूटे हैं, माखन सब में भरा हुआ है। सोची, अरे चोरी लग रहा है नहीं किया, अब लग रहा है धर्मात्मा हो गया है। बहू, वो छोटा मटका जो है ना, उसका सारा माखन ला, मिश्री मिला के हम सब खाएंगे। बहू बोली, जी माता जी, उसको क्या पता कि माखन की जगह क्या है, बेचारी थाली में उल्टी तो माखन तो निकला नहीं, कचड़े गोबर माटी भर गए। सास बोली, बावरी जहर देती है, दूसरे मटके को उल्टा गया उसमें भी यही हालत है, तीसरे मटकों को जब उल्टा गया तो उसमें भी यही हाल, सब में कचड़े भरे हैं। सास बोली, देख उसी नंदलाल की करतूत है, चल शिकायत करने जाती हूँ, चलती हूँ, आज यशोदा को बताती हूँ, शिकायत करने जा रही हूँ। शिकायत करने के लिए कह रही, मैया ये तेरा जो कन्हैया है ना, इसकी शिकायत कितनी कहूं, ये तो दिन रात माखन चोरी करता रहता है, ऐसे ऐसे युक्ति जानता है कि चोरी कर लेता है, शिकायत की जब। तो यशोदा मैया बोली कि क्यों रे, तो चोरी करता है? कन्हैया बोला, माखन में मां शब्द है ना, इसीलिए मुझे भाता है, माखन में मां शब्द छिपा है, इसीलिए मुझे बहुत प्रिय लगता है, इसीलिए मैं चोरी करता हूँ, इसीलिए माखन खाता हूँ मैया, और कोई बात नहीं है, उससे बहुत प्रेम करता हूँ, इस माखन से मां निकाल दे तब मैं माखन नहीं खाऊंगा। बड़े सुंदर तोतली बोली बोलते हैं इनकी तो लीला, ऐसे भी छोटे छोटे बालक कितने अच्छे लगते हैं, और जब भगवान बालक बन के आए होंगे तो कितने सुंदर लगे होंगे, कोई बात ही नहीं कर सकता, उसकी लीला का वर्णन नहीं कर सकता, सौंदर्य का वर्णन नहीं कर सकता, बाड़ी का कोई वर्णन नहीं कर सकता, इतनी सुंदर भगवान नंदलाल कह रहे हैं माता से।